लाहौर में मौजूद 62 पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जारी है। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा के मुताबिक हुकूमत पंजाब, एलडीए और नीम सरकारी इदारों समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल की मसनूआत इस वक्त फराहम की जा रही हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीला जानते हैं। शहजाद, बताइएगा कहाँ कहाँ पर पेट्रोल पंप हैं जो कि खुले हैं, वहाँ पर पेट्रोल फराहम किया जा रहा है और कहाँ कहाँ पर बंद है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में भी पेट्रोलियम डीलर्स की जानब से हड़ताल की गई है, लेकिन इसके बावजूद जिले इंतजामिया की जानब से शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का जारी रखने का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस हवाले से डीसी लाहौर की जानब से एक फहरिस्त जारी की गई है और इस फहरिस्त में ये बताया गया है कि शहर लाहौर में 62 पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। और डीसी लाहौर का इस हवाले से ये कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पेट्रोल पंप पर ऑयल की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हुकूमत पंजाब, एलडीए, नीम सरकारी इदारों के वेलफेयर पेट्रोल पंप्स पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। डीसी लाहौर की जानब से जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें टोटल, अटक, शेल, पीएसओ, जूम, एस्कोल, माई पेट्रोलियम, गो पेट्रोलियम और यूरोपम्प्स के यूरोपम्प्स पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का सिलसिला जारी है। और डीसी लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा का इस हवाले से ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जारी रखने का मकसद ये है कि दफातर, स्कूलों और इसके अलावा प्राइवेट इदारों में जाने वाले शहरियों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजादा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।